का मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छतरपुर की, जहां पर बागेश्वर धाम के महाराज के भाई पर बड़ा आरोप लगा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर आरोप लगे हैं, छोटे भाई पर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं, घर में घुसकर मारपीट के आरोप हैं। शालिग्राम गर्ग की दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है जिसका गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। छतरपुर की तस्वीरें आपके सामने, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की ये तस्वीरें जो गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। घर में घुसकर मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं छतरपुर की, जहां पर गुंडागर्दी यहां पर की गई, मारपीट की गई लोगों से। हालांकि किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्यों ऐसी दबंगई गुंडई यहां पर ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ये जांच का विषय है। तस्वीरें आई हैं सामने, देखने वाली बात होगी किस तरह का संज्ञान लिया जाता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं छतरपुर से। शालीमार गर्ग की दबंगई का ये वीडियो सामने आया है। दबंगई दिखाता, गुंडई दिखाता हुआ नजर आया है। ये घर में घुसकर मारपीट के आरोप भी लगे हैं इस पर, धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा, धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है और गुंडई करता हुआ यहाँ पे नजर आया है। हालांकि क्या मामला था, किस वजह से विवाद, क्यों मारपीट की, जांच का विषय है। वीडियो आया है, तस्वीरें आई हैं, देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। तो तस्वीरें छतरपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से यहाँ पर गुंडई दबंगई दिखाता हुआ नजर आ रहा है और घर में घुसकर लोगों से मारपीट कर रहा है। विवाद क्या था, ये बात अब तक सामने नहीं आ पाई है, जानने का भी प्रयास करेंगे सहयोगी से। पर तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर गुंडई किस तरह से दिखाई जा रही है। क्या हुआ जो बमिंडा थाने आए, चोट कैसे आई आपको? क्या हुआ, किसने मारा? शालिक राम ने। किस बात को लेके आपके झगड़ा? शालिक राम। किस बात को लेके? अरे कहां था अरविंद पटेल से, तो मैं सब मिले हूं, तो हमारा लड़का बोलो तो पान जब से धाम ने, जब से मेरा लड़का वहां काम में लगा रहा, काम में लगाए रहे धाम में, और कहा कर कोई आदमी नहीं है। तो तस्वीरें आप देखिए, आपने सुना भी, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो आरोप लगा रहे हैं साफ तौर से मारपीट के। विवाद क्या था ये अब तक सामने नहीं आ पाया है, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यहां पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, क्या अब तक संज्ञान लिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का इस वीडियो का? देखिए बिल्कुल, ये जो वीडियो अभी है सामने आया, वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बागेश्वर धाम के गड़ा गांव में जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब से कुछ देर पहले की घटना बताई जा रही है। और पीड़ित परिवार जो है बमीठा थाने में, संबंधित जो थाना लगता है बमीठा थाने में, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए क्या हुआ है। और पीड़ित परिवार का आरोप है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है बागेश्वर धाम के महाराज, उनके भाई है पालग्राम, उनके द्वारा, उनके साथियों के द्वारा मारपीट कर गुंडागर्दी की गई है, का इस्तेमाल किया गया है, गाली गलौज भी मां बहन की गई है, लाठी डंडे वीडियो वायरल लिए उनके साथी दिख रहे हैं, लाठी डंडों के साथ एक कार गाड़ी भी, लग्जरी गाड़ी जिस पर सवार होकर ये लोग पीड़ित परिवार के घर के अंदर पहुंचे थे और महिलाओं बच्चों के साथ कर मारपीट की है। और बमीठा थाना पुलिस इस पूरे मामले पर अब जांच कर रही है। जी ये गुंडई पहली बार तो नहीं है, पहले भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं, टोल प्लाजा की हमने तस्वीरें देखी थी, और अब जिस तरह से ये तस्वीर आई है, क्या हम माने कि यहाँ पर संरक्षण मिलेगा या कार्रवाई होगी? देखिए जाहिर सी बात है, जो आपने सवाल किया है वो उसको लेकर बात स्पष्ट रूप से है, कोई भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति जब भी होता है तो पुलिस तत्काल FIR नहीं करती है, उसको जांच में लेती है, जांच के बाद FIR करती है। जहां तक बात की जाए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम महाराज उनके भाई सागले ग्राम की, तो एक तरह से माना जा सकता है कि वो यानी गुंडा गर्दी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने बागेश्वर धाम में समाज की शादी में भी खलल फैलाया का और हवाई फायर भी किया था उसके बाद, और तमाम कई घटनाएं हैं, कई लोगों को धाम पर भी प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, और इसके अलावा टोल टैक्स ना अदा करने को लेकर भी विवाद हुआ था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बागेश्वर धाम के जो छोटे भाई हैं वो लगातार गुंडाई करते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं, और
बाद भी पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी हालांकि वो उसमें जो टोल का मामला है उसमें उनके भाई अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस के द्वारा अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। उसके बाद उन्होंने आज इस दूसरी घटना को अंजाम दिया है, ऐसा पीड़ित परिवारजनों का आरोप है। बहुत शर्मनाक है कि एकता की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि तस्वीरें बहुत दूर की हैं तो जो फेसेस हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हैं। क्या ये अंदर बैठे हैं गाड़ी के अंदर या बाहर बैठे हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया, जिस तरह से जो लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है और जो एक लाल कलर के जो गमछा है उससे अपना चेहरा कवर किए हुए हैं, ऐसा पीड़ितों का कि वही व्यक्ति शालिग्राम है जो पंडित हिरण कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, वह के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। किसी हालांकि घटना के जो कारण है वो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाए हैं, जो मामले की जांच कर रही है, लेकिन खुद शालिग्राम यानी पंडित हिरण कृष्ण शास्त्री के भाई जो है पर मौजूद थे और लगातार पीड़ित परिवारजनों को अपने साथियों के साथ प्रताड़ित कर रहे, गाली गलौज दे रहे थे और लाठी डंडों से पीड़ितों की मारपीट की गई, से जो चोटें आई हैं, हम महिलाओं को हाथों में चोटें आई हुई हैं, थाने में वह बैठी हुई हैं, प्राथमिकी दर्ज पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस अभी वहां पर मामले में जांच करने की बात ही होती है, क्योंकि अभी अप्रैल का ही मामला है, अभी मई भी खत्म नहीं हुआ है, अप्रैल का ही मामला है। टोल कर्मी के साथ किस तरह से मारपीट की थी, बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और कहा था कि FIR दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा। उस समय तो सब फरार हो गए, बाद में कहां गिरफ्तारी हुई, कहां पकड़ा गया, कहां कार्रवाई हुई, दूसरों पर डाल दिया जाता है, जो गुनहगार है, जो आरोपी है उसे छोड़ दिया जाता है संरक्षण की आड़ में। नरेंद्र जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, जिस तरह से जो क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों का हुआ मामला होता है उसमें पुलिस बड़ी ही फूंक फूंक कर कदम रखती है, या कह लें कि पुलिस ताई बढ़ती है, जल्दबाजी नहीं दिखाती है, जैसा कि आम व्यक्तियों के साथ होता है, तो पुलिस तत्काल की दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करके चालान पेश करती है, उनको आरोपियों को न्यायालय में पेश करती है। लेकिन कि मामला जब भी धीरेन कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के द्वारा कहीं भी कोई भी घटना को अंजाम दिया गया है तो उसमें तत्परता नहीं दिखाई गई है। हालांकि हरिजन एक्ट के मामले में जरूर तत्परता दिखाई गई थी, दर्ज कर ली गई थी और टोल प्लाजा वाले मामले में भी FIR दर्ज कर ली गई थी, लेकिन सारी बड़ी विलंब से हुई थी हरिजन एक्ट के मामले में, और अभी जो टोल प्लाजा वाला मामला है उसमें तो अभी शायद जो FIR दर्ज होने के बाद अभी सभी आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं, तो पुलिस को भी चाहिए। नजर बनाए रखिएगा आखिर क्या क्या कहते हैं लोग वहां के, जो पीड़ित हैं वो भी क्या कहते हैं, इस मामले में पुलिस कैसे संज्ञान लेती है, कैसी कार्रवाई करती है, जांच करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।